मैं बहुत दूर निकल चुकी हूँ अर्जुन। नहीं स्नेहा, इतनी भी दूर नहीं गई हो कि साथ ना चल सके। बताइए, आप लोग खेल खेलते हैं? Yes, हमारे साथ एक गेम खेलेंगे? तो ये देखें, ये क्या है? अब मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी को पसंद नहीं करते, उसके साथ खेलना नहीं चाहते, उसको देखकर हंसी आ जाती है। हाँ, एक दोस्त था मेरा, एकदम दुबला पतला सा, रस्सी की तरह, एक फूंक मारो तोड़ जाएगा। हमारे साथ फुटबॉल खेलने आता था। मैंने बोला भाई रहने दे, कहीं फुटबॉल की जगह तू ही उड़ गया ना। एकदम मरा हुआ था, हम उसे अपने से दूरी रखते थे और वो स्कूल छोड़कर ही चला गया। हम भी कुछ कहना चाहते हैं जी। लेकिन आजकल मजा बहुत आ रहा है, हम नाम नहीं बताएंगे लेकिन सब लोग उसे जानते हैं। कभी ब्यूटी क्वीन और कभी छोरी और कभी पारो कहकर बुलाते हैं उसे, और वो भी हंसी में टाल देती है, यानी टाल देता है। ठीक है, तो मान लीजिए वो दोस्त ये कागज का टुकड़ा है, हम आपको ये कागज का टुकड़ा दे रहे हैं, तो जो भी आप उसके बारे में सोचते हैं, जैसे भी आपके विचार हैं, एक एक करके इस कागज के टुकड़े पे आप लोग लिखेंगे। लोगों ने लिख लिया, हम एक एक के पास गए और हमने सबका पढ़ा है, और आप लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुना भी नहीं सकती, और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो जिसे पढ़ के मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। अभी आप एक काम करें, ये जो कागज का टुकड़ा है इसे हाथ में लीजिए और पूरी ताकत के साथ उसे निचोड़ दीजिए। अब देखिए इस कागज की क्या हालत हुई है। इस पूरी क्लास में कोई ऐसा है जो इस कागज को फिर से पहले जैसे कर सकता है? नहीं कर सकते ना? नहीं। तो आप खुद ही सोच रही, जब इस कागज पे आपने इतने गुस्से से, ऐसी भावना से निचोड़ा है, उसको मचोड़ डाला, तो उस पे किस तरह के निशान पड़ गए जो कभी नहीं मिट सकते। अब ये कागज फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही निशान और घाव उस व्यक्ति पे भी पड़ते हैं जब उसके दोस्त उसे दबाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे हंसी का पात्र बनाते हैं। सोचिए उसे कैसा लगता हो। जरा सोचिए, ये सारी बातें, ये सारी दिल दुखाने वाली बातें जो आप लोगों ने इस कागज के टुकड़े पर लिखी, ऐसी बातें अगर कोई आपके लिए कहे तो कैसा लगेगा? अपने साथियों का साथ देते, अगर कोई कमजोर तो उसे मजबूत बनने में मदद करते, अगर किसी में कोई कमी तो उस कमी को पूरी करने की कोशिश करते, ना कि उस कमी का मजाक उड़ाते। अगर आप सब लोग ये बातें याद रखें तो आपकी वजह से कभी किसी का दिल नहीं दुखेगा। कोई भी कागज के इस टुकड़े की तरह नहीं बनेगा। नहीं। मैम, हम माफी चाहते हैं, हमने बहुत चोट पहुंचाई है,
हमें अपना मजाक इतना पसंद आया कि हम भूल गए कि उससे दूसरों को कितना कष्ट होता है। आप सब जानते ही हैं कि आप किसके बारे में बोल रहे थे, किसे चिढ़ा रहे थे। हमारे संस्कारों में एक बहुत ही खूबसूरत बात, मिच्छामी दुखड़ा। इसका मतलब होता है कि जाने अनजाने में अगर मुझसे किसी का दिल दुखा, मुझसे कोई गलती हुई, तो उसके लिए मैं सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इस बात को अपने जीवन में उतार सकते हैं। दुख पहुंचाना अगर आपके स्वभाव में है तो सच्चे मन से क्षमा मांगकर आप उसे बदल सकते हैं। चाहो तो उसकी शुरुआत अभी से कर सकते हो। पवन, हम तुमसे माफी मांगते हैं। आज हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। पवन, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मिच्छामी दुखदम भाई, मिच्छामी दुखदम। मिच्छामी दुखदम पवन, मिच्छामी दुखदम। एक खेल के जरिए स्कूल के बच्चों को एहसास हुआ कि लगातार किसी को चिढ़ाने से, उसका मजाक उड़ाने से उस व्यक्ति के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारी संस्कृति में एक बहुत खूबसूरत बात है, अगर आपने जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो तो सच्चे मन से उनसे क्षमा मांग ले। मिच्छामी दुखड़म, इन दो शब्दों में जादू है, गहराई है, संबंधों को एक बार फिर से जोड़ने का आमंत्रण है। सभी बच्चों ने पवन से माफी मांगी, उनका मन हल्का हो गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, ma'am. आइए। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ और खासकर अपनी माँ को। मैंने सोचा था कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा और कोई काम शुरू करूंगा, पर मेरी माँ ने मुझे प्रोत्साहन दिया। मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी रही, वो कहती रही कि सब ठीक हो जाएगा, और वही हुआ। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। बस ये समझ लो कि पेपर का टुकड़ा कभी कभी फिर से ठीक हो सकता है। धन्यवाद। तो लड़कियों में साथिया होगी शुभी, लड़कों में साथिया होगा पवन, सब बंदिशें खुलने लगी थी। मन की बंदिश ही सबसे बड़ी बंदिश होती है शायद। हम अंदर से जकड़े हुए होते हैं, हजारों धारणाएं हमें बनाती हैं। किशोर उम्र के ये बच्चे भी धारणाओं और बंदिशों से जकड़े हुए थे। धीरे धीरे सब गिरह खुल रही थी, आजाद हो रहे थे ख्याल। स्कूल में भी वो लहर आएगी जो बाहर आई। हमारे प्रोजेक्ट के पहले साथिया नवल और खुशी जी जान से लगे हैं। आज तक इस गांव में एक दूसरे से चर्चा करने का, संवाद करने का माहौल नहीं था, लेकिन आज सब खुलकर बात कर रहे थे।
स्कूल के बाहर और अब स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट साथिया पालम गांव में कायम हो चुका है। नवल और खुशी पूरे जोश के साथ किशोर और किशोरियों से बातें कर रहे हैं। पवन और शुभी को भी ट्रेनिंग मिली, वो भी साथिया बन गए। पहले प्रतापपुर, फिर सूरजगढ़ और अब पालम गांव। डॉक्टर स्नेहा जिस जगह को छूती है उसकी तकदीर ही बदल जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों यहां आकर उसे बार बार अर्जुन की याद आ रही है। रिश्ता तो उनका टूट चुका है पर कमबख्त यादें बहुत सताती हैं। पता नहीं क्यों पर आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है अर्जुन। फिर से एक नया सफर तय कर रही हूं। एक नए गांव में फिर से एक नया सपना जिसने आंखों की नींद उड़ा ली है। फिर से एक नया जोश है, लेकिन पता नहीं क्यों इन सबके बीच तुम्हारी याद क्यों आ रही है। दिल करता है तुम्हें फोन लगाऊं, तुमसे बात करूं, पर फिर रुक जाती हूं। किसी मोड़ पे हम अलग हुए थे, हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे, साथी नहीं हो सकते। हमने अलग रास्ता चुना है अर्जुन। मगर स्नेहा, मैं तुम्हारे लिए अपने रास्ते को बदलने के लिए तैयार हूं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। पता नहीं फिर किसी मोड़ पे कभी हम साथ होंगे भी या नहीं। आप वापिस आ गई? हाँ, वो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मैं आज रात को यहीं रुकूंगी। हाँ हाँ, ऊपर के कमरे में मैं आपका सामान रख देता हूँ। इस घर के जो मालिक थे वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं, वो उनका ही कमरा था जिसमें आप रह रही थी। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। वो हैं अभी यहाँ पर? हाँ, वो वहाँ पर लॉन में। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं ना। जी मैडम। हेलो।
हमारा यूं मिलना आपसे कुछ कह रहा है। बहुत दूर रह लिए, लेकिन अब शायद साथ रहने का मौसम वापस लौटा है। मैं बहुत दूर निकल चुकी हूं अर्जुन। नहीं स्नेहा, इतनी भी दूर नहीं गई हो कि साथ ना चल सके। मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आया हूं, अपनी जिद, अपना अहम और अपनी खोखली जिंदगी, सब कुछ। स्नेहा, तुम जिस रास्ते पर मुझे ले चलोगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हम सफर बन के चलूंगा। मुझे अब जाना होगा। यही पालम गांव में एक पहाड़ी मंदिर है जहां हर अधूरी ख्वाहिश पूरी होती है। मैं कल सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहां से आज तक कोई मायूस नहीं लौटा है। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा, करता रहूंगा। बनना आसान काम नहीं, बेहद मेहनत करनी पड़ती है, खूब पढ़ाई करनी पड़ती है। बरसों के श्रम के बाद अब डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपने सिद्धांतों पर अटल रहना। सेवा और सिर्फ सेवा के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। डॉक्टर स्नेहा उन चंद लोगों में से है जिन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सब कुछ त्याग दिया। अर्जुन, we'll be right back.
इसे आप क्या कहेंगे, कहानी का अंत या पुराने रिश्ते की नई शुरुआत? डॉक्टर स्नेहा के सफर में ये अल्प विराम जरूर है, पर सफर का अंत नहीं। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। जाते जाते एक बार फिर आपको ये याद दिला दूं कि जिसकी आंखों में है जगमगाती हुई जैसे गहरी शराफत की एक रोशनी, जिसके अंदाज में एक तहजीब है, जिसके लहजे में नरमी है, शब्दों में तमीज है, जिसके दिल में भी और जिसकी बातों में भी औरत के वास्ते पूरी इज्जत भी है, पूरा आदर भी है, जिसको औरत के जीवन का तन मन का सम्मान है, औरत के आत्मसम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है, जो कभी नहीं भूलता औरत इंसान है, जिसमें अपनी भी पहचान है, जिसमें हिम्मत भी है, जिसमें शक्ति भी है, जिसमें गौरव है, आत्मविश्वास है, जो अगर साथ है, जो अगर पास है, उसके होने से औरत को अपनी सुरक्षा का एहसास है, जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है, सच तो ये है वही मर्द है। शुक्रिया। सकती हूँ एक नई जान को सांसों में भर सकती।